नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब गोवा की सत्ता किसको सौंपी जाए। तो वहीं कांग्रेस भी पुरजोर कोशिशों में ये जुटी हुई थी कि किसी तरीके से गोवा में सरकार बनाई जाए, लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच कल देर रात या यूं कहें आधी रात को गोवा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। जी हां, बीजेपी नेता प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है। उनके साथ ही विजय सरदेसाई और सुदीन धावलेकर को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने इन दोनों को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन तीनों नेताओं को गोवा की मुख्यमंत्री मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें, गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोंकणी भाषा में शपथ ली और साथ ही ये जो पूरा कार्यक्रम था ये 2:12 तक, देर रात 2:12 तक चला। और जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम तय हुआ, आपको बता दें जो बीजेपी के नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं नितिन गडकरी, उन्होंने राज्यपाल को विधायकों का जो समर्थन था वो पत्र सौंपा, जिसके बाद देर रात ये फैसला लिया गया कि रात में ही शपथ ग्रहण समारोह किया जाना चाहिए, जिसके बाद राजभवन में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया जहां गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, गोवा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह दरअसल 11 बजे होना था, लेकिन राज्यपाल देरी से वहां पहुंची, जिसके चलते ये पूरा कार्यक्रम जो है ये 1 बजे के बाद शुरू हुआ। और ऐसे बेहद ही कम मौके आए हैं जब देर रात में राष्ट्रगान बजा हो और उसके बाद राष्ट्रगान बजा, जिसके बाद जो गोवा की राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, उन्होंने इन तीनों नेताओं को शपथ दिलाई और ये नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अब गोवा के बन गए हैं। आपको बता दें, गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शपथ लेने से पहले ये कहा कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना ये कर्तव्य जो है ये निभाऊंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राजनीति में आए हैं तो वो दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की वजह से ही राजनीति में आए हैं और साथ ही वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। तो इस तरह का बयान गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम कार्यक्रम रात में किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से गोवा में हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर गोवा में कांग्रेस तमाम कोशिशें कर रही थी। मनोहर पारिकर के निधन के बाद से ही तमाम जो कांग्रेस के नेता थे गोवा में, वो पुरजोर कोशिश में जुट गए थे कि किसी तरीके से गोवा में सरकार बनाई जाए, क्योंकि गोवा में कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक है, लेकिन बीजेपी को वहां की और जो तमाम पार्टियां हैं उनका सहयोग मिला, जिसके चलते वो एक बार फिर से वहां सरकार बनाने में कामयाब हो गई और गोवा को नया मुख्यमंत्री मिल गया। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।